मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। हम लोग रेगुलर जैसे रोज़ बैठते हैं। बच्चे लोगों के लिए स्कूल का बस स्टैंड बनाए ले है और पुलिस वाले के लिए हम लोग ने वो बैठक बनाई है। क्या मतलब कुछ भी होता तो पुलिस वाले यहाँ बैठते, तो हम लोग भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं हम लोग के सब आके बैठते। ईशा की नमाज़ के बाद रेगुलर रूटीन के हिसाब से हम लोग वैसे ही बैठे आके अपना बैठे। अचानक देखे कि 20-22 बाइक आई, उसके ऊपर डबल डबल सीट, मुँह पे रुमाल बांधते हुए तलवार बॉटलें विटले लेके बस मारो मारो इनको, ख़त्म करो इनको, ख़त्म करो, बस ये करके मारना चालू करे। हम लोग भाग रहे भी जान ले के हमारे पीछे पीछे भाग रहे, उसमें हम लोग कम से कम 8 से 10 लोग पूरे जख्मी हो गए। ले ये तो कई इस हालत में किस वजह से हमला हुआ, कौन थे उन लोग, कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग अपना नमाज पढ़ के रेगुलर जैसा रूटीन पर बैठे हैं वैसा बैठे, ऐसा ग्रुप बंदी के हिसाब से आए थे पूरा। हम लोग को खुद के समझ में, मेरे सर के ऊपर तलवार लगी तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया कि क्यों मार रहे, पूछने भी नहीं दे रहे हमको, बस मारो मारो इनको, मार डालो, ख़त्म करो, बस वही बोल रहे। बांद्रा पुलिस स्टेशन के एरिया में जे कॉलोनी करके एक एरिया है, वहाँ पे कुछ लोग रात में 10:30 बजे के करीब कट्टे पे बैठे थे, तो 8-10 लोग आए मोटरसाइकिल पे और तलवार और सलिया से उनके ऊपर अटैक करके भाग गए। तो पुलिस स्टेशन ने CR रजिस्टर किया है, हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और 2 घंटे के अंदर हमने एक आरोपी को ताबे में लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर पूछताछ में कुछ पता चला है क्या विक्टिम के तरफ से, या जो एक्यूज़ को डिटेन किया उनके तरफ से कुछ पता चला है क्या अभी तक? मैं अभी तक तो मोटिव निष्पन्न नहीं हुआ है, जो जिनको मारा है मतलब उन्होंने भी अभी तक कुछ बताया नहीं है, उनको भी पता नहीं, वो लोग बैठे थे उनके ऊपर अटैक हुआ। अभी एक आरोपी को ताबे में लिया है, उसके पास इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर क्या कुछ सेक्शन लगाया हुआ, कितने लोग टोटल घायल है, इसमें कहां इलाज चल रहा है? इसमें 7 लोग घायल है, उसमें से 2 जन को केम हॉस्पिटल में एडमिट किया, बाकी लोगों को भाभा हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट करके घर छोड़ा गया है। और बाकी वो उनके भी ज़्यादा इंजरी नहीं है, अंडर सेक्शन 307 राइडिंग के सेक्शन लगाए हमने और पुनः दाखिल किया है।